मेवात जिले के एक गांव की महिला की ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष पर महिला से एक स्विफ्ट कार व 1 लाख रुपए की मांग करने का आरोप है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर पति सहित ससुराल पक्ष के 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिलियाकत अली, आप देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीड़िता रिचमा निवासी गुरनावट तहसील तावड़ू जिला नुह ने बताया कि वर्ष 2014 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसकी शादी साहित निवासी 7 लाका थाना किशनगढ़ वास जिला अलवर के साथ हुई थी। महिला ने बताया कि शादी में उसके पिता ने अपने हैसियत के हिसाब से काफ़ी दान दहेज और 2.5 लाख रुपए नकद दिए थे। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे। वह कम दहेज लाने व उसे ताना मारते रहते थे। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग स्विफ्ट कार व 1 लाख रुपए मांग कर रहे थे और उसे यातनाएं देने लगे, लेकिन वह सहती रही। शादी के 1 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी पैदा होने से ससुराल पक्ष के द्वारा उन पर और ज़्यादा ज्यादती बढ़ गई। रिचमा का आरोप है कि वर्ष 2019 में पति साहिद, ननद साइना, सास अख्तरी ने उसके साथ मारपीट की और उससे 1 लाख व स्विफ्ट कार की मांग करने लगे। उसने ऐतराज़ जताया तो आरोपी ने उनका स्त्री धन छीन लिया, कार में डालकर उसे गांव गुरनावट के बाहर छोड़कर भाग गए। घर पहुंचने पर उसने सारी घटना से परिजनों को अवगत कराया। उसके बाद गणमान्य लोग पंचायत स्तर पर अपने मामले का समाधान करने के लिए उसकी ससुराल पक्ष में पहुँचे तो पंचायत में भी आरोपी स्विफ्ट कार व 1 लाख रुपए की मांग पर अड़े रहे। मामले का कोई समाधान नहीं हो सका। पुलिस ने पीड़िता रिचमा की शिकायत पर आरोपी पति साहिद, सास अख्तरी व ननद साइना के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप देख रहे हैं तावड़ू से साहिद मेवाती की रिपोर्ट।